और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है। सैलानी इस बर्फबारी का पूरा आनंद ले रहे हैं, लेकिन लोकल्स यानी कि स्थानीय लोगों को मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है। आपको कश्मीर से लेकर शिमला और बद्री विशाल तक की एक एक तस्वीर हम दिखाएंगे। कैसे मिनी एवलॉन्च की सुनामी में फंसे हैं सैलानी, बर्फ के बीच हिमवीर कैसे बचाते हैं एक एक जिंदगी, मोक्षदायिनी गंगा का जहां से उद्गम होता है वहां की लेटेस्ट तस्वीर भी देखिए। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको हम दिखाएंगे। और ये देखिए गंगोत्री की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा है, मानो पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ है। भारी बर्फबारी हो रही है और इसी बर्फबारी का असर है कि जो मैदानी इलाके हैं, जो निचले इलाके हैं, वहां पर भी शीतलहर देखने को मिल रही है, ठंड बढ़ गई है। तो ये देखिए गंगोत्री की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मंदिर आसपास के पूरे इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए हैं। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में भारी बर्फबारी हुई है और मंदिर के चारों ओर, जैसा आप देख भी पा रहे होंगे इस पूरे वीडियो में, कई फीट बर्फबारी हुई है। हर जगह बर्फ की सफेद मोटी चादर नजर आ रही है। यहाँ सब कुछ बर्फ से ढका हुआ है। कश्मीर से केदारनाथ तक, श्रीनगर से शिमला तक, गुलमर्ग से चमोली तक, हर तरफ बर्फ की सफेद चादर है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड की वादियां इन दिनों बर्फ से गुलजार है। देश के पहाड़ी राज्यों में जमकर बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन पहाड़ी राज्यों में बर्फ की बारिश होती रहेगी। कश्मीर में मौसम का सबसे ठंडा दौर शुरू हो चुका है। आसमान से बर्फ बरस रही है, जमीन पर कई इंच मोटी चादर बिछ गई है। ये दो तस्वीरें देखिए, कश्मीर के बारामूला और कुलगाम की हैं, जहां एक तरफ बर्फ ने जमीन को जन्नत बना दिया है तो वहीं दूसरी तरफ बर्फ लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। सड़कों पर बर्फ जम जाने के कारण गाड़ियां अनकंट्रोल हो रही हैं, ब्रेक नहीं लग रहे हैं। मुसीबत इतनी ही नहीं है, बर्फबारी के बीच तूफान की सबसे ज्यादा डराने और रोमांचित करने वाली तस्वीर गुलमर्ग से आई है। गुलमर्ग में कुछ सैलानी उस वक्त बर्फ में फंस गए जब भारी बर्फबारी के बीच तेज हवाएं चलने लगी। तेज हवाओं ने बहुत जल्द आंधी तूफान का रूप ले लिया। बाइक राइडिंग और स्कीइंग करने आए टूरिस्ट में अफरा तफरी मच गई। निकालते हैं, यहाँ पे बहुत हालात खराब है इस टाइम। आप देख सकते हो कितनी भीड़ है यहाँ पे। चलो चलो चलो, पहले बच्चे को बिठाओ, इस बच्चे को भी उठाओ, जल्दी 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 उठाओ, बच्चों को ले चलो, बच्चों को ले चलो, बच्चों को ले चलो, इनको इनको ले चलो, पहले बच्चों को ले चलो, पहले बच्चों को ले चलो, सारे स्थानीय लोगों ने और टूरिस्ट गाइड ने आनन फानन में सैलानियों को वहां से निकाला। आंधी इतनी तेज थी कि मानो कोई एवलॉन्च आने वाला हो। अगली तस्वीर तंगधार से है, जहां बीएसएफ के जवान स्थानीय लोगों के लिए देवदूत बनकर आए। जवानों ने तीन लोगों को एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया। अगली तस्वीर शोपियां की है। चिनार कॉर्प्स के जवान जान की बाजी लगाकर बर्फ में फंसे लोगों की दिन रात मदद कर रहे हैं। यहां एक गर्भवती महिला को चिनार कॉर्प्स के जवानों ने जिला अस्पताल पहुंचाया।
श्रीनगर में भारी बर्फबारी की वजह से यातायात और टूरिज्म काफी प्रभावित हुआ है। एयरपोर्ट पर बर्फ की वजह से फ्लाइट ऑपरेशंस में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मशीनें लगातार बर्फ को हटाने में लगी हैं। दिन रात रनवे को क्लियर किया जा रहा है। कश्मीर से अब आपको ले चलते हैं हिमाचल। हिमाचल में बर्फबारी किसी के लिए मस्ती है तो किसी के लिए मुसीबत। देश के अलग अलग कोने से आए पर्यटक यहाँ मस्ती कर रहे हैं, बर्फ का लुत्फ उठा रहे हैं। यहाँ तक कि हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मौसम की पहली बर्फबारी का लुत्फ उठाया। इस मौके पर खुद मुख्यमंत्री राजभवन पहुंचे थे। शिमला पहुंचे टूरिस्ट का भी बर्फबारी के बीच जोश हाई है। मैं फर्स्ट टाइम शिमला पे आई हूँ, बहुत अच्छा है यहाँ पे। वहाँ पे इतनी ठंडी है, जहाँ पे यहाँ है। क्या देखा? यहाँ पे इतनी स्नो है, वहाँ इतनी नहीं है। तो ये स्नोफॉल का मेरा पहला एक्सपीरियंस है, तो बहुत अच्छा लग रहा है शिमला में आके। शिमला पहले भी आते रहते हैं, तो इधर आके बहुत अच्छा लग रहा है। अभी जो स्नोफॉल हुई है तो एक्सपीरियंस दुगना बढ़िया हो गया, अच्छा हो गया पहली बार का। डलहौजी में भी जमकर बर्फबारी हो रही है, लेकिन यहाँ बर्फबारी कुछ पर्यटकों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। यहाँ एक पर्यटक की कार पर पेड़ गिर पड़ा और कार पूरी तरह डैमेज हो गई। डलहौजी घूमने आया था कल ही, और कल ही रात को स्नोफॉल स्टार्ट होगी। इतनी ज्यादा स्नोफॉल आप देख सकते हो, पर ये है एक मुश्किल भी आ रही है, जैसे कि जो गाड़ियों में आया वो फंस जाएंगे ऐसे। अभी 2-3 दिन उसको मेरे हिसाब से लग जाएगा ये रोड साफ करते। सिरमौर में भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। यहाँ हर तरफ सफेदी ही सफेदी नजर आ रही है। घर की छतों पर कई इंच मोटी बर्फ जमा हो गई है। पानी पाइपों में जम गया है, झरने जम गए हैं। कश्मीर और हिमाचल के बाद आपको ले चलते हैं उत्तराखंड, जहां गंगोत्री धाम से लेकर बद्री विशाल तक हर तरफ जमकर बर्फ गिर रही है। ये वो जगह है जहां से जीवन दायनी मोक्ष दायनी गंगा मैया का उद्गम होता है। यहां हर तरफ सफेद चादर है, बर्फ ही बर्फ है। गंगा मैया यहीं के गोमुख से निकलकर बंगाल के गंगा सागर तक पहुंच जाती हैं, और यहां इन दिनों सब कुछ बर्फ की चादर तले दबा हुआ है। भगवान बद्री विशाल के दर पर भी जबरदस्त हिमपात हो रहा है। इन दिनों बद्रीनाथ और उसके आसपास के इलाकों को खाली करा लिया जाता है, इंसान का नामो निशान नहीं रहता। लोगों को माना और बद्रीनाथ से निकाल कर मैदानी इलाकों में पहुंचा दिया जाता है, वजह यही बर्फबारी है। सीजन में यहां कई फुट तक बर्फबारी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।